चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, सागर से, जिनकी ऑल इंडिया 151 रैंक है और जो हरियाणा से हैं, और सागर को एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो सागर, सबसे पहले इस रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और मैं सागर के बारे में बताना चाहूंगा कि सागर ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है, घर पर रह के प्रिपरेशन की ऑनलाइन, और इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके इतनी अच्छी रैंक लाना, ये अचीवमेंट होता है। तो सागर, मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो सक्सेस जर्नी है वो बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि ये इंटरव्यू का एक ही पर्पस होता है कि बच्चे अपनी मन की सारी बात बोले। मैं तो हमेशा वही चीज पूछता हूँ, पर हर बच्चे की सक्सेस जर्नी और स्टोरी बहुत अलग अलग होती है। हाँ जी सर। हेलो एवरीवन, आई एम सागर फ्रॉम हिसार हरियाणा। जैसा आपको पता है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 151 आई है, और मैंने प्रिपरेशन इम्पीटस गुरुकुल से ही करी थी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 10th से। 10th में मैं मतलब 10th में मेरे को चिंता हुई थी भी आगे क्या करना है। तो जैसे ही मेरे 10th में मैथ्स आई, मैथ्स मीनिंग मेरी 10th में अच्छी बनने लगी थी, जैसे एपी आया, एपी में थोड़े लॉजिक्स लगते हैं, पूरे लॉजिक्स लगते हैं, तो मेरे को लॉजिक्स डेवलप होने लगे थे। उसके 1, 3, 5, 7 ऐसी सीरीज होती है, तो वो थोड़ी बहुत आई थी एपी उस टाइम। इतना मतलब यूं था कि हाँ लॉजिक बन रहा है उसका, अच्छे से सोल्व हो रहे हैं, तो मेरा थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा। तो मैथ्स स्कूल में मैंने उस टाइम टॉप किया था, एंड देन प्लस वन की बारी आई थी, तब मेरे पास चार ऑप्शन आए थे, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, मैड और नॉन मैड। तो अब मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं, तो इसलिए मैंने नॉन मैड चूज करी थी। तो फिर मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने कोचिंग भी ली थी, पर शायद मेरे ही कुछ मैं शायद सेलेक्ट नहीं हो पाया। मेरी रैंक भी 4 लाख अराउंड आई थी और मार्क्स भी बहुत कम आए थे। तो उस टाइम पूरा मैं डिस्टर्ब हो गया था, कि एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कुछ भी हाथ में ना आए। तो फिर मेरे एक नेबर में भैया हैं, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप बीसीए करो, बीटेक मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था उस टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। तो अब मेरे को उन्होंने सलाह दी थी कि आप बीसीए करो। बीसीए में क्या होता है कि आप एमसीए कर सकते हो एनआईटी के थ्रू। तो मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि मैं आज एनआईटी में पहुंच जाऊंगा। तो मैंने स्टार्ट करी थी अराउंड 1 फेब 2020 के अराउंड मैंने इम्पिटस ज्वाइन किया। बट उससे पहले मैंने माइंडसेट बनाया, फर्स्ट ईयर से ही माइंडसेट ही बनाया था कि हाँ भाई मैंने बीसीए ही करनी है, एमसीए ही करनी है, वो भी थ्रू एनआईटी। सो सर ने, सर के जैसे ही अभी प्रीवियस ईयर प्रीवियस टेस्ट हो रहे थे, जब पेपर से पहले सर ने एक ही बात कही थी कि माइंडसेट ही आपको आगे ले जाएगा, माइंडसेट जैसा होगा पेपर में वो ही आपको ले जाएगा। इस बार भी सब माइंडसेट का खेल ही हुआ था पेपर में, थोड़ा सा डिफरेंट आया था पेपर मानते हैं, बट ऐसा नहीं था कि नहीं बनेगा, हाँ सही बनने वाला पेपर था। बाद में सर ने जैसे उसकी एनालिसिस दिया तो वो बनने लगा। देन मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट करी, या फिर मार्च में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो थोड़ा और टाइम मिल गया था मेरे को कि अब स्टडी करने का, क्योंकि कॉलेज की स्टडी बंद हो चुकी थी उस टाइम, और मेरे 4th सेम चल रहा था उसके अराउंड, उसके भी पेपर हमको ऐसे ही प्रमोट कर दिया था, पेपर भी नहीं हुए थे। ऐसे फिर मैंने बीसीए करी, बीसीए अभी मेरा आज ही रिजल्ट आया है, 1 आवर पहले आज ही मेरे कंप्लीट हुई है बीसीए, और 80% अराउंड है सर। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एंड देन मैंने स्टार्ट एमसीए की प्रिपरेशन चल ही रही थी उस टाइम, कोविड चल रहा था, तब हमारे पास अच्छा टाइम मिल गया था पढ़ने का। जैसे पूरे दिन मेरे पास सिर्फ निमसेट की ही स्टडीज होती थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे दिसंबर आया कॉलेज भी दोबारा ओपन होने लगे, फिर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ी में दिक्कत आई थी। बट यूं था, सर ने बताया था कि जो निमसेट उसको एक सब्जेक्ट के थ्रू ही पढ़ो, जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में कॉलेज का, उसके जैसे ही बैठो पढ़ो बस, और ऐसे ही स्टार्ट हुई। फिर देन जब सर ने बताया था कि लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही एक चीज और बताता हूँ मैं, जैसे 7 अगस्त को पेपर था निमसेट का, और मैंने मेरा 7 अगस्त को ही पेपर आ गया था उसका, ग्रेजुएशन का, तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस दिन, मतलब ये क्या उसी टाइम सेम टाइम 9 AM पूरे डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि अब क्या कैसे होगा। मैंने सर से भी सलाह ली, फिर दोस्तों से भी ली, दोस्त बोले कि ऑनलाइन टेस्ट है कहीं किसी को बिठा दे, बट फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था उसके लिए कि हाँ भाई एक
अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी अच्छी कि ये ऐसा करना सही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं ना, अगर आपको कुछ पाने की इच्छा हो तो कायनात चेंज हो जाती है, वो ही हुआ मेरे साथ। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो HSSC का एग्जाम आ गया उसी दिन, इसीलिए यूनिवर्सिटी को वो पेपर पोस्टपोन करना पड़ा और मैं आराम से टेंशन फ्री होके 7 अगस्त को गया पेपर देने। कुरुक्षेत्र मेरा पेपर था तो मैं पेपर देने गया एंड पेपर दिया और उस मेरी मीनिंग मेरे को अच्छा भी लगा पेपर दे के। मतलब सर का जो पढ़ाया हुआ था, सर का सर ने बिल्कुल जो समझाया हुआ था बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि देखते ही टिक ही करना था, बस उसको 2 सेकंड में और आगे बढ़ना था, और जैसे सर ने बताया था वैसे ही मैंने पेपर दिया। जैसे राउंड 1 लगाना, राउंड 2 लगाना, ऐसे सब कुछ किया था। तो फिर अब जैसे वो 23 तारीख को रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी अच्छी, बट कोई बात नहीं, जैसा भी आया अच्छा आया था रिजल्ट। और आज मैं NIT इलाहाबाद में हूँ, अभी मेरी क्लास स्टार्ट होनी है 11 अक्टूबर से। सागर, बड़ा अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे याद है, आपने जब बोला था पेपर के लिए, तो हाँ मैंने जी, यही बोला था कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, पर हम हाँ अपनी जी, मेहनत करना ना छोड़े। देखो, आप उस समय डिस्टर्ब नहीं हुए, कई कई चीजें ऐसी होती कि अपने आप ही हो जाती। जैसे आपने बोला उस दिन एग्जाम आ गया, कुछ बच्चे और थे उनको भी मैंने बोला था जिनके 7 अगस्त को एक बार यूनिवर्सिटी में बात करो, हो सकता है चेंज कर दे, हाँ यूनिवर्सिटी ने जी भी उनकी बात मानी। यानी सर, कई बच्चों ने जिन्होंने एफर्ट लगाए उनको इस बात का फायदा भी मिला। और आपने देखो एक और चीज अच्छी बताई, MCA में बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे जिनका IIT में नहीं होता, उनके लिए अच्छा बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो थ्रू MCA NIT में जा सकते हैं। वहां ड्रॉप लेने की जगह वो ज्यादा अच्छा है कि BCA करते जाएं और फर्स्ट सेकंड ईयर से ही प्लान कर लें। तो ये यस जो सर, जब यस कोई बिगनर कोई लिसनर सुन रहा होगा तो उसको काफी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। और बाई चांस IIT में, जैसे कहा आप 4 लाख रैंक से सोचिए तो 152 हाँ रैंक पर जी, आए हो आप। एक यस सर, तरह से यस देखा सर, जाए तो 4 लाख से बहुत 152 रैंक आना ये अचीवमेंट होता है हमारे लिए। यस सर। और सर जैसे BCA चल रही थी, आपके जो कोर्ट्स होते थे ना वो मेरे को बहुत बेस्ट लगते थे। जैसे आप कुछ एग्जांपल भी देते थे, एक रामायण में श्री कृष्ण भी आ जाते थे, वो बहुत अच्छे लगे। और एक बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं सर से सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग या कंप्यूटर या इंग्लिश नहीं पढ़ा, मैंने सर से ये पढ़ा है कि मैं अगले जो, ये तो मेरी 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी थी, अगले जो आने वाले मेरे 50 60 जितने भी ईयर्स हैं उसमें कैसे मेरे को आगे बेटर परफॉर्म करना है, रियल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कूल माइंड रखना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, हर चीज सीखी है सर से इस 1.5 ईयर की प्रिपरेशन जर्नी में। और ये बल्कि मैंने ऑनलाइन सीखी है, मैं कभी भोपाल विजिट भी नहीं किया अभी तक मैंने। जल्दी आऊंगा सर मैं अपना बहुत अवार्ड जल्दी लेने। आओ, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उस समय आप अवार्ड के समय भी नहीं आ पाए अपने एग्जाम और BCA के वजह से। हाँ जी, हाँ जी और सर, सागर, मेरा भी यही मानना है कि पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, पर हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें फेस करनी होती यस है। ये सर, यस आपकी सर, टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, पर अभी तो यस सर, बहुत अप डाउन आते रहेंगे जीवन में, पर अब उन सबके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो गए। और यस सबसे सर, देखिए खुशी मेंटली की बात ये, प्रिपेयर हो, सबसे ज्यादा खुशी की बात ये कि आज वो बच्चा जो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में है हाँ वो घर जी, पे रह के इतनी अच्छी रैंक दे सकता है और अच्छे यस से सर, पढ़ाई कर सकता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर ऑनलाइन एक्सपीरियंस मेरे को लगता है मेरा शायद ऑफलाइन से भी अच्छा हुआ हो, क्योंकि जब IIT की प्रिपरेशन करी थी मेरी, मैं ऑफलाइन ही जाता था, मेरे घर के थोड़ी सी दूर है वहां पे कोचिंग जाता था, बट वहां मेरे को शायद गाइडेंस नहीं मिली इतनी अच्छी कि मैं IIT क्लियर कर पाऊँ। बट जो सर आपने गाइडेंस दी थी ना वो बेस्ट थी, मैंने आज तक की बेस्ट गाइडेंस आपने ही दी थी। थैंक यू बेटा, अच्छा और लगा। यस सर, अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम पता नहीं सेकंड ईयर फाइनल ईयर में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन में प्रिपरेशन होगी कि नहीं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक मैसेज ये है कि आपने सर को, सर की कोचिंग ली है, चाहे आप यूट्यूब से भी जुड़े हो कोई बात नहीं, उसका सर पे एक बारी ब्लाइंड बिलीव कर लो, सर को फॉलो कर लो अच्छे से। सर हर हर बंदे को लेकर चलते हैं, चाहे वो जिसको कम आता है, बल्कि सर उनको उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनको कम आता है उन पे इतना नहीं देते, बट उसका अच्छा ध्यान देते हैं। मतलब वो जिसको कम आता है ना उस पे ज्यादा फोकस करते हैं सर, हर चीज का एक मेथड नहीं तीन तीन मेथड भी समझाएंगे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका भी। और रही बात जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जानते ही होगे, उनकी भी मेहनत बहुत अच्छी है, उसको अपना को सिर्फ
उनका क्या कहते हैं, या तो उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने ये दिखता है या वो अच्छा खेलते हैं, बट उनके उसके पीछे का हार्ड वर्क नहीं दिखता, वो चीज देखना ही सबसे अच्छी है। जैसे मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आपको मेरे पीछे का हार्ड वर्क देखना है, ना कि वो ऑल इंडिया रैंक 51 रैंक मैटर नहीं करती, आपका बिहेवियर मैटर करता है, आपकी एजुकेशन आपके बिहेवियर में वो मैटर करती है, और सर से आप रियल लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये सीखना है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हाँ बोलिए बोलिए। एक एक सर को मैंने अपना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है वो मेरे बेस्ट मोटिवेटर है, और सर मेरे वो बन चुके हैं, अब दोनों हैं और मैंने दोनों से बहुत कुछ सीखा है। चलो बहुत अच्छा नाम लिया आपने, महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसा प्लेयर है जो कि जिसने बहुत ग्राउंड लेवल से प्रिपरेशन करके बहुत कुछ अचीव किया। जैसे उनकी स्टंपिंग है हाईएस्ट, मीनिंग जल्दी से जल्दी स्टंप किया उन्होंने 0.08 सेकंड में, वो बस माइंडसेट से ही किया हुआ है और प्रेजेंस ऑफ माइंड से। जैसे अपना पेपर दे रहे होते हैं आप, उस टाइम कई सवाल आ जाते हैं दिमाग में, भाई नहीं होगा तो क्या होगा। प्रतीक सर ने एक बात बेस्ट सिखाई थी, उन्होंने बोला था कि सिलेक्शन एक बार साइड में रख दो, अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। आप मान लो कि सिलेक्शन आपका हुआ पड़ा या नहीं हुआ पड़ा, वो बाद की बात है, रिजल्ट पर सोचना आपने क्या ड्रॉप लेना है, क्या आपको एनआईटी रायपुर मिला। सर ने बताया कि आज के दिन में एनआईटी कोई भी हो सारी अच्छी है, और यही मेरा एक आपके मैसेज है कि आप अच्छे से पढ़ो, सर पे ब्लाइंड बिलीव करो, एंड दिस इज ऑल। थैंक यू सागर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आगे बढ़ो, काफी अच्छा आप चीजें को समझ पाए हो, आप बहुत प्रैक्टिकलिटी चीजों को समझ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे ही बच्चों को भी गाइड करोगे और ऐसे ही आगे नई जो जूनियर्स है ना उनके लिए आप एक मोटिवेटर का काम करने वाले हो। एक और चीज बतानी थी, जैसे मैंने ये क्लियर किया था ना निमसेट, तो मेरे फ्रेंड्स थे, 5 फ्रेंड्स ने ज्वाइन कर लिया आपके साथ, वो बोले कि मैंने भी तेरे जैसा ही करना है अब। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, और यही इम्पीटस की सफलता है और यही इम्पीटस की चेन है कि हर बच्चा जुड़ता जाता है और हर तरह से पढ़ सकता है। इम्पीटस का मतलब है कि हर तरह का बच्चा पढ़ सकता है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। यस सर, और एक लास्ट मैसेज टू जूनियर्स, हमेशा अपने माइंड को कूल रखना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्चुअल प्रॉब्लम होती नहीं है जब तक वो सोल्व ना हो जाए, बस उसका सोल्यूशन फाइंड करने पर ज्यादा ध्यान दो, प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी। और माइंड को एकदम कूल रख के स्टडी करो, कोई टेंशन ना लो, कोई वो मत करो, मतलब आलतू फालतू यूट्यूब पे मत देखो। सर की एक मेन बात बताने भूल गया मैं, सर ने आज तक, मैंने 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है पूरे मेरा, सर ने आज तक किसी की इंसल्ट नहीं करी है, सर ने हमेशा हर किसी का बढ़ावा दिया। सर हमेशा यूट्यूब पे बोलते हैं, जैसे चाहे सर से पढ़ो चाहे किसी और से, बस आप पढ़ो, ओनली स्टडीज पे ध्यान रखो। ये यूट्यूब पे तो चलता रहता है ये आलतू फालतू की चीजें, मेरे को तो यार फालतू चीजें लगती है, कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है या नहीं। सर से मैंने ये बेस्ट सीखा है कि अपनी लाइफ में अगर हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं ना, तो पहले तो हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं उसके आगे, और कभी किसी की इंसल्ट नहीं करना अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी बात बोली सागर आपने, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपके इस इंटरव्यू को देख के बहुत बच्चे बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी और अपनी लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग डिसीजन ले पाएंगे। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द जूनियर्स सीनियर्स एंड मेरे बैचमेट्स आल्सो। थैंक यू।